तो कैसे हैं आप? मैं हूँ अलीजा और आप देख रहे हैं अलीजा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी लीजा आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेके आई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप शैम्पू से कैसे अपने बालों को शाइन कर सकते हैं। जी हाँ, शैम्पू के अंदर एक चीज़ मिक्स करने से आपके जो बाल हैं वो शाइनिंग करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और सबसे जो अहम चीज़ है वो है कि खुश्की आपके बालों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती सी रेमेडी है, तो इस रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए क्लीन बाउल। इस क्लीन बाउल के अंदर आपने उतना शैम्पू यूज़ करना है जितना आप अपने बालों को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। आपके पास जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं आपने उसका ही यूज़ करना है। मैं तो सनसिल्क यूज़ करती हूँ, तो मैं इसलिए इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इतनी क्वांटिटी में लेना है जितना आप अपने बालों पर यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो मेन चीज़ यूज़ होनी है वो है शुगर। जी हाँ, शुगर, ये हमने 1 टेबल स्पून लेनी है। अब आप सोच रहे हैं कि शुगर से जो है हमारे बाल हैं वो कैसे शाइन करेंगे, उसकी जो खुश्की है वो कैसे ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, जो शुगर है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो ये हमारे बालों को शाइनिंग देता है, और जब हम इसको थोड़ा सा मसाज करते हैं शुगर के साथ तो जो हमारा खुश्की है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि आप जो शुगर यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो चिपचिपे हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी होंगे। आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा आपको हेयर मास्क जो है वो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो चलें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो शुगर है वो शैम्पू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम अपने बालों पर लगाएं तो ये अच्छे से लग जाए। 2 से 3 सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बहुत ही अच्छा तरीके से एक हेयर मास्क बन जाए। फ्रेंड्स, ये देखें, ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक हेयर मास्क बन गया है। इसके लिए जो आपके बाल हैं वो जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा जो है आपके बाल सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाएंगे एक ही बार के यूज़ से। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने जब शावर लेना है उससे हाफ, और जब आप जाते हैं वॉशरूम में तो आप शैम्पू यूज़ करते हैं सेम, आपने वैसे शैम्पू अपने बालों पर लगाना है। बालों पर लगाने के बाद आपने हल्का सा मसाज करना है ताकि जो शुगर है ये आपके स्कल्प पे अच्छी तरह से स्टिमुलेट हो जाए। जब हम सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करेंगे तो हमारे जो स्कल है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ेगा, जो हमारे बालों की खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारे जो बाल हैं वो सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। तो शैम्पू करने के बाद जब आप टॉवल से अपने बालों को अच्छे से ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद जब आप इसको कंघी करेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके जो बाल हैं वो इतने सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा हेयर मास्क लगाया है, तो आप इसे मेरी जो रेमेडी उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी इतना खर्चा नहीं है, तो इसे आप लाजमी ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की सिंपल सी यूज़फुल रेमेडी। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।